hi everyone, my name is nas and i welcome to you in my channel nas parshala today i'm going to share a very useful video for you today i'm going to take cbsc class 10 and from your first flight book i'm going to take first poetry section and the chapter name is amanda in this video i'm going to teach you explanation of the chapter summary of the chapter amanda every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another you too may feel that you your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders, do not allow you to. You read the poem aloud. Form pairs. Each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. So Amanda, your chapter here. Amanda is the name of a girl. जो थर्टीन ईयर्स की है इसमें ऑथर हमें कह रहा है कि भाई हर बच्चे के जो है फीलिंग आती है या वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनको कंट्रोल किया जाता है या बार बार इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि भाई ये मत करो वो मत करो बार बार अक्सर बड़े जो है अपने बच्चों को ऐसा कहते हुए नजर आते हैं तो क्या आप भी ऐसा फील करते हैं कि आपकी आजादी को जो है बंदिशों में लिया जा रहा है तो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जो आप वाकई में ही करना चाहते हो लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं और जो आपके एल्डर्स हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं इस पॉइंट को जो है तेजी के साथ जो है अलाउड जो है आप पढ़िए और पेयर्स बनाइए और अल्टरनेट स्टेंजा को पढ़िए तो आप देखेंगे बहुत शानदार सा सरप्राइज सो so, देखते हैं इस चैप्टर एमांडा में आखिर हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अक्सर हमारे बड़े जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे बड़े हमें अलाउ नहीं करते हैं हमें बार बार टोकना टोकना और टोकना करते हैं कंट्रोल करते हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं बार बार कैसा मत करो वैसा मत करो तो देखते हैं इस चैप्टर में आखिर एमांडा को क्या कहा जा रहा है स्टेंजा बार डोंट बाइट योर ने मांडा डोट हंच योर शोल्डर एमांडा स्टॉप दैट स्ल एमांडा सो स्टेंजा वन जो है स्टेंजा वंस मीन जो ने दो होते हैं जो दांतों से जब हम काटते हैं बाइट करते हैं नेल्स को नाखूनों को टना बाइट योर नेता है जब आप पीठ और कंधो को जो है आगे की तरफ झुकाते हैं मतलब कुब्बड़ की तरह जो बैठते हैं आप अपने कंधों वगैरह को झुकाने में दैट इज कॉल्ड हंस एंड स्लाउचिंग स्लाउचिंग मीन्स जो होता है कि आप अपने शोल्जर को जो है सुस्ती के साथ जो बैठते हो उसको बोलते हैं स्लाउचिंग ओके शोल्डर मीन्स कंधे ओके सो एक लड़की एमांडा, ठीक है इन सिंपल वे में अगर बात की जाए एक लड़की एमांडा है जो अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन से बड़ी परेशान है हर बात पे कैसे बैठ जाओ वैसे मत करो नेल्स मत काटो कंधे झुका के मत बैठो और इन सभी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है वो चाहती वो उसके जो पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि वो जो है सुस्ती के साथ ना बैठे कंधे झुका कर ना बैठे ठीक है तो जो स्टेंजा वन है वो ये है कि एमांडा जो है एक थर्टीन फोर्टीन इयर्स की लड़की है जो रेगुलरली उसकी माँ जो है उससे इंस्ट्रक्ट कर रही है बार बार कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है और वो लड़की एनी टाइम अपने माँ के जो इस तरीके के जो बिहेवियर है बार बार जो टोकने का काम है उससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है और ये सारी जो लाइंस है वो हमें ये शो करती है कि एमांडा की माँ जो है उसको किस तरीके से बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही है देखिए फर्स्ट में नेल्स को मत काटो अपनी कुबड़ को जो है या कंधों को झुका के मत बैठो अब तुम सुस्ती के साथ मत बैठो ढंग से बैठो तो फर्स्ट में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एमांडा की माँ उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है ऑर्डर दे रही है या कहें वॉर्न कर रही है कि वो अपने नाखूनों को जो है दांतों से ना चबाए और अपने कंधों को झुकाकर ना बैठे और आलस के साथ ना बैठे बल्कि खड़ी रहे तो उसकी माँ चाहती है कि एमांडा जो है एनी टाइम चुस्त दुरुस्त दिखाई दे तो इस इस्टेंजा से, से ये जो है प्रूफ होता है कि एमांडा की माँ जो है उसकी लाइफ को एक हद तक जो है बहुत ज़्यादा लिमिट से जो है कंट्रोल करती है एमांडा को ये सारी चीज़ें जो है घुटन सी होती है और वो उम्मीद करती है कि काश वो भी जो है क्या हो जाए आजाद हो जाए सेकेंड स्टेंजर देर इज अ अवेज सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मे एमरलेंट मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्रिस्फुली ओके इन स्टेंजर में लैंग्वेज मीन्स जो पीसफुल जगह होती है ठीक है एमल एंड मीन्स जो हरे रंग का पन्ना टाइप का जो होता है तो यहाँ एमल एंड सी मतलब ग्रीन सी से मतलब है जो बड़ा ग्रीन ग्रीन सा सी होता है आपने कभी देखा होगा जब विजिटिंग के लिए गए हो ठीक है सोल मींस यहाँ पर ओनली इकलौती ठीक है इनहेबिटेड मतलब निवासी वहां की जो है सिर्फ इकलौती निवासी हो मरमेड जो जलपरी होती है ड्रिफ्टिंग मतलब जो है धीरे से बहना धीरे से जो है बहती हुई जो है ब्लीसफुली मीन्स जो खुशी के साथ जो है चलती या फिर बहती हुई रहती है ठीक है सो इन सेकेंड स्टेंजा में जो है वो ये बता रही है हमें कि भाई जो अमेंडा है वो बार बार जो है इन सारे अपने जो माँ के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है वो इतनी परेशान हो चुकी है कि उसने अपनी जिंदगी में या दि, दिमाग में जो है एक सपनों की दुनिया बना ली है जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपको आप काम करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपको उस काम को करने के लिए मना कर दे तो आप सपनों में उस काम को पूरा करने की ख्वाहिश करते हैं तो इन द सेम वे सेकेंड स्टेंडा में जो है एमांडा क्या करती है क्योंकि वो अपने माँ के इंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा थक चुकी है तो एमांडा सपना देखती है कि काश वो भी जो है इतनी केयरलेस हो इतनी पीसफुल लाइफ हो जैसे कि मरमेड की होती है सी के अंदर ठीक है सो so, वो क्लियरली हमें इसमें बता रही है कि भाई एमांडा जो है वो क्या कर रही है डे ड्रीमिंग में मतलब सपनों की दुनिया में खो चुकी है सपनों की दुनिया में खो चुकी है और उन सपनों में वो क्या देखती है कि वो खुद अपने आप को एक जलपरी होने की जो है क्या करती है उम्मीद कर रही है सपना देख रही है जहां पर वो एक खामोशी के साथ एक हरे रंग के समुद्र में रहती है और वो इमेजिनेशन करती है कि वो उस समुद्र की एकमात्र निवासी है मतलब अकेली सोल मींस एकमात्र जो है इनहैबिटेट है निवासी है जो खुशी के साथ पीसफुली उस पानी में तैरती रहती है मतलब बच्चों है या बड़े हैं तो उनको अगर हद से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो बच्चे क्या हो जाते हैं सपनों की जिंदगी जो है शुरू कर देते हैं और उनका जो रियलिटी से जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है बिल्कुल ही टूट जाता है ठीक है तो ये थीम है सेकेंड स्टेंजा की उसने जो है अपनी माँ की जो है इंस्ट्रक्शन से इतनी परेशान हो चुकी है कि उसने अपने दिल दिमाग में एक सपनों की दुनिया डे ड्रीमिंग शुरू कर दी और वह इस टाइप की जगह को ढूंढ रही है जहां पर वो पीसफुली अकेली रह सके वो भी विदाउट इंस्ट्रक्टर्ड ठीक है सो इसीलिए जब बच्चे सपनों की दुनिया में चले जाते हैं तो उनका रियलिटी से जो कनेक्शन है वो बिल्कुल टूट जाता है

टाइडी मतलब आपने जो है रूम को साफ करना टाइडी मतलब साफ करना आई थॉट मुझे लगा सोचा मैंने क्लीन मतलब साफ करना अपने शूज ओके सो यहाँ पर जो है स्टेंजा थर्ड में वो क्लियरली ये कर रही है एमांडा की माँ उसे रेगुलरली जो है क्या कर रही है बार बार क्वेश्चन पूछ रही है इसमें और जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं उसकी माँ बार बार जो पूछे जाने वाले जो सवाल है वो उसे परेशान कर देते हैं और उसको डे ड्रीमिंग में धकेल दिया उसकी माँ के इम्तानों ने ठीक है सो so, एमांडा की माँ उससे पूछती है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया क्या तुमने अपने जूतों को साफ कर लिया एमांडा और उसकी माँ का जो बिहेवियर है वो एक बिहेवियर uh, है जो आ, आपस में हमारे साथ जो रिश्ता होता है उसको खराब कर दिया है एबांडा पीसफुली और आज़ादी की जो है जिंदगी तलाशना शुरू कर देती है और वो अकेलेपन में रहना ज्यादा पसंद करने लग जाती है और वो ऐसा कबोल सोचती है मन के अंदर के काश वो जो है अकेली होती क्यों क्योंकि जब हद से ज्यादा अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है इंस्ट्रक्ट करने लग जाए कंट्रोल करने लग जाए तो बच्चों को एक घुटन सी महसूस होने लग जाती है और बच्चे जो है हमेशा क्या करने लग जाते हैं फिर गलत राह पे चलने लग जाते हैं और जो आपस का जो उनका लव होता है अफेक्शन होता है अपनी माँ के लिए या बच्चों के लिए उसमें थोड़ी जो है खटासी आ जाती है ठीक है नेक्स्ट स्टेंजर फोर आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट I pattern soft dust with my hurst bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. अब जैसा कि अभी हमने तीनों स्टेंजा में पढ़ा कि उसकी माँ बार बार उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है तो उसने डे ड्रीमिंग शुरू कर दी अब यहां पर भी उसने ऐसा ही कुछ जो है करना शुरू कर दिया है वो क्या किया है ऑर्फन मीन्स अनाथ अनाथ जो होता है रोमिंग मतलब इधर उधर गलियों में भटकना पैटर्न पैटर्न मीन्स जो अलग अलग तरीके की आ, मतलब आकृतियों को बनाना डस्ट यहाँ पर डर्ट है गंदगी या धूल वगैरह जो है हर्ष मीन्स काम डाउन और बेयरफूट मतलब नंगे पाव जो है घूमना गोल्डन मतलब बहुत ज्यादा जो मूल्यवान होती है और आज़ादी ही सबसे मीठी होती है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्टेड किया जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है आज़ादी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है क्योंकि हर इंसान जैसा अगर जो कैद में रहता है उसको हमेशा सिर्फ आज़ादी से ही प्यार होता है तो यहाँ पर जो है एमांडा को उसकी माँ इतनी कंट्रोल कर रही है इतनी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वो भी जो है परेशान हो चुकी है और अब उसके दिल में क्या आ रहा है उसके मन में आ रहा है कि माँ के जो लगातार जो है बार बार परेशान होने पर एमांडा जो है अब कटकर उससे दूर होने लगती है और वो ये सोचती है कि एक अनाथ की जिंदगी जो है अच्छी होती है इस जिंदगी से और वो जो है अब क्या कह रही है कि मुझे सबसे ज्यादा जो है खुशी कहाँ मिलेगी जब वो आजाद होगी मतलब उसकी माँ ने और उसका रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि वो उम्मीद करी कि काश वो एक अनाथ होती ठीक है तो अमांडा जो है उसकी माँ के सवालों से और उसके इंस्ट्रक्शन इतनी उग चुकी है इतनी घुटन महसूस करती है कि उसे लगता है कि एक अनाथ का जिंदगी जो उसने अभी जिंदगी जी रही है उससे ज्यादा बेटर होती है और वो उम्मीद करती है कल्पना करती है कि काश पे एक अनाथ है और गलियों में भटकती रहती है एक ढीली ढाली रेत पर अपने नंगे पाँव से जो है पैरों के निशान बनाती है और वह चुपचाप चाप भी जाना चाहती है और चली जाती है जहां उसे जाना होता है वो वहां पर चली जाती है और अनाथ के रूप में वो जो है उससे शांति ज्यादा मिलती है और शायद ये जो है सबसे ज्यादा कीमती है जो आजादी उसे इस रूप में मिल रही है वो ज्यादा जो है खुशी दे रही है बजाय इस घर में रहने के बजाय इस तरीके से रहने से अच्छा है कि उससे अच्छा वो ऑर्फन हो जाए अनाथ हो जाए ठीक है तो इसीलिए जब हद से ज्यादा अगर हम किसी को प्रेशराइज कर दे तो हर इंसान जो है क्या करता है नेगेटिविटी में चला जाता है तो ये भी देखिए इसकी मां से हद से ज्यादा इंस्ट्रक्टर किए जाने पे इतनी परेशान हो चुकी है कि अभी उम्मीद कर रही है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अच्छी तो और फन अनाथ की जिंदगी जो है ज्यादा अच्छी होती है नेक्स्ट फिफ्थ स्टेंजा डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा रिमेंबर योर एक्ने एमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी वैन आई एम स्पीकिंग टू यू एमांडा अब यहाँ पर भी उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट कर रही है क्या कर रही है चॉकलेट जो हम सबको डिलीशियस लगती है ठीक है एक्ने मतलब जो फुंसियाँ वगैरह जो हो जाती है पिंपल्स वगैरह जो हमारे फेस पे हो जाते हैं उसको बोलते हैं और जो है इसकी माँ अब जो उसको बिल्कुल अब यहाँ पर भी क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है बिल्कुल भी एमांडा की जो मदर है वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है क्या कर रही है कि चॉकलेट नहीं खाए क्योंकि ऐसा करने से उसके मुंह से जो है पिंपल जो है एक में जो है वो बढ़ जाएंगे अब एमांडा जो अब उसकी जो मदर है एमांडा की वो इंस्ट्रक्ट कर रही है वॉन कर रही है यहाँ पर कि एमांडा बिल्कुल भी चॉकलेट मत खाओ ठीक है और वो सोचती है कि चॉकलेट खाने से उसके से जो है एकने जो है वो बढ़ जाएंगे और तुम देखो इधर की तरफ एमांडा रुठी हुई है तो उसकी माँ उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और वो उसे जब बहुत ज्यादा हज से ज्यादा इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो वो उसकी तरफ नहीं देख रही है तो उसकी माँ की वो अपोजिशन कर रही है और वो सही है क्योंकि अब उससे जो बहुत सारे नहीं जाते तो जब उसकी मदर उसको बार बार कह रही है चॉकलेट मत खाओ तुम्हारे मुहा से याद रखो और तुम मेरी तरफ ध्यान दो मैं तुमसे बात कर रही हूं लेकिन एमांडा अपनी माँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है इग्नोर कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि वो अपनी मदर के बार बार कंट्रोल करने पर बार बार इंस्ट्रक्ट करने पर हद से ज़्यादा जो है वो परेशान हो चुकी है इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो सोचती है कि अब जो कुछ भी वो कह रही है उसको इग्नोर कर दिया जाए तो कहने का मीनिंग ये है कि अभी तक हमने जितने भी फाइव स्टेंजर्स जो पढ़े हैं उसका ये सार आता है कि कभी भी जो है हद से ज़्यादा हम बच्चों को जो है प्रेशराइज नहीं करना चाहिए थोड़ा बच्चों को फ्रीडम भी देना चाहिए ताकि आपसी जो प्यार है अफेक्शन है वो बना रहे और बच्चों को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उनकी जो फ्रीडम है वो हद से ज्यादा कंट्रोल की जा रही है थोड़ा बहुत होना चाहिए तो यहाँ पर जो है अभी तक हमने जितना भी जो फाइव स्टेंजास पढ़े हैं उसमें हमें यही बताया है अभी तक कि एमांडा जो है अपने माँ के इंस्ट्रक्शन से हद से ज्यादा जो है परेशान हो चुकी है I I am Rapunzel, have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair ab again. जैसे जब हकीकत में अगर हमें वो खुशी ना मिले तो हम क्या करते हैं उसे सपनों की दुनिया में पाने की कोशिश करते हैं तो इन द सेम वे आप देखो यहाँ पर भी जो है ऐसा ही कुछ हो रहा है केयर मतलब भरी होना परेशान होना टावर मींस मीनार ठीक है टैंकफुल मतलब शांत जगह जो होती है पीसफुल ठीक है रेयर मतलब कभी-कभी जो होता है लेट डाउन सर्टेनली मतलब बेशक ऐसा कुछ होता है लेट डाउन मतलब लोअर समथिंग जो हम जब कभी भी हम नीचे कुछ गिराते हैं उसको बोलते हैं ब्राइट हेयर मतलब चमकीले बाल ठीक है तो यहां पर जो है एक बार फिर अमांडा जो है सपनों की दुनिया में डूब जाती है और वो क्या सोचती है काश की वो रेपुंजल बन जाए ठीक है रेपुंजल जो एक राजकुमारी थी जिससे उसकी सोतेली मां ने एक जो है टावर में मीनार में जो है कैद कर दिया था ठीक है जैसा कि हमने अभी पढ़ा था स्टेंजा थर्ड में भी तो उसमें क्या था बच्ची जो है सपनों की दुनिया में चली जाती है क्योंकि जब हकीकत में वो चीज पूरी ना हो तो हम अक्सर जो है डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं और सपनों में उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा रियलिटी से जो है कनेक्शन बिल्कुल भी टूट जाता है तो यहां पर भी वो अपने माँ के इंस्ट्रक्शन से इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो यहां पर क्या कर रही है सपनों की दुनिया में फिर से चली गई और क्या सोच रही है काश वो एक रैपुंजल होती रैपुंजल एक राजकुमारी है जिसकी सोतेली माँ ने जो है उसको एक मीनार में कैद कर दिया है ठीक है तो अब यहां पर वो इमेजिनेशन कर रही है कि काश वो भी जो है एक जो है राजकुमारी होती ठीक है और वो सोचती है कि काश वो रेपुंजल बन गई है और रेपुंजल एक राजकुमारी थी जिसकी सौतेली माँ ने उसे एक मीनार में कैद कर दिया था रेपुंजल की तरह वो बनकर जो है एमांडा का जीवन भी जो है उसी तरीके का था मतलब अजीब सा वो अपनी सौतेली माँ से परेशान थी और ये अपनी रियल माँ से परेशान है इंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा परेशान है रेपुंजल की तरह ही वो भी जो है किसी राजकुमार के साथ नहीं भागेगी और वो सिर्फ जो है अपनी आजादी की हर कीमत को बनाए रखेगी क्योंकि रेपुंजल जो एक राजकुमारी थी आपको थोड़ा इस स्टोरी के बारे में बताऊं मैं अगर रैपुंजिले एक राजकुमारी थी जिसको उसकी सौतेली माँ ने मीनार में कैद कर दिया था उसके बाद वहां पर जो है उसको फूड वगैरह कोई भी चीज वगैरह वो सिर्फ अकेली रहती थी वहां पर और वहां पर जो है एक फूड वगैरह या कुछ भी जो देना होता था वो विंडो से दिया जाता था उसको ले जाके जो उसका सर्वेंट था वो आती थी राजकुमारी वहां पर वहां पर राजकुमारी बिल्कुल अकेली थी और राजकुमारी के जो है बड़े लंबे जो है बहुत लंबे बाल थे इसके बाद एक दिन जब जो है वहां पर वो विंडो पे सोच रही थी तो सडनली वहां से एक राजकुमार का गुजरना हुआ वो राजकुमार ने जैसे ही उस राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने जैसे ही उस राजकुमार को देखा तो दोनों को आपस में लव हो गया उसके बाद जो है राजकुमारी ने जो है अपने बालों को जो है नीचे फेंका और वो बालों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ गया और दोनों ने जो है छलांग लगाई घोड़े पे और वो उसे जो है लेकर चला गया तो रियल स्टोरी तो रेपुंजल की ये है लेकिन एमांडा क्या कह रही है कि भाई मैं तो जो है उस मीनार पे चली जाऊं मैं एक राजकुमारी रेपुंजल बन जाऊं और उसके मीनार में और उस टावर में अकेली रहूं और मैं कभी भी अपने बालों को जो है नीचे नहीं फेंकूंगी और ना ही मुझे किसी राजकुमार के साथ जो है जाऊंगी ठीक है मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी प्यारी है और मैं वहाँ पर अकेले रहना चाहती हूँ इस तरीके से वो जो है दिखाता है कि वो डे ड्रीमिंग कर रही है एमांडा जो है बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है और वो उस मीनार में अकेले रहना पसंद करेगी बजाय ऐसे घर में रहने के जहाँ पर बड़े लोग उसको रेगुलरली जो है बच्चों को कर करके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ठीक है सो so, इसीलिए उसने जो है इस स्टोरी और सपने के बारे में सोचा है कि भाई मुझे तो जो है अब रेमपुंजल बनना है लेकिन अकेले रहने के लिए आजादी रहने के लिए जहां पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे स्टेंजर सेवन स्टॉप दर सल किंग एट वास्ट एमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी एमांडा

एक एक पल में उसका मूड बदल जाना मतलब परेशान करना ठीक है सो so, एमांडा जो है अब यहाँ पर भी लास्ट वाले पैराग्राफ में भी जो है बहुत ज्यादा जो है इंस्ट्रक्ट कर रही है उसकी माँ उसे क्या कर रही है वो बोल रही है कि भाई एमांडा जो है उसकी माँ से रुठी हुई है और वो एक जिद्दी बच्चे की तरह मतलब एक जिद्दी बच्चे की तरह जो है बिहेव कर रही है अपनी माँ से क्योंकि वो अपने माँ के इंस्ट्रक्शन और सवालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है तो वो क्या कर रही है अब वो अपनी माँ से रूठ चुकी है जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब बार बार पेरेंट्स या जो है बोलते हैं तो बच्चे अक्सर उनसे रूठ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी जो है वो रूठ चुकी है अपनी माँ से और वो चिड़चिड़ी हो गई है उसकी माँ की ताना कशी ने उसे जो है उदास कर दिया है और जो भी उसके आसपास कुछ भी हो रहा है वो उससे अनजान हो चुकी है और उसकी माँ अपने जो है बिहेवियर का जो है आ, मतलब नहीं सोच रही है कैसा वो क्यों हो रही है उसकी बच्ची ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही है उसकी माँ के उसके बिहेवियर ने उसकी बच्ची को ऐसा बना दिया है सभी बड़ों के लिए ये बात सच है और ये सब उन बच्चों के एक दिन सारे जो है चैप्टर पढ़ा देना चाहते हैं जैसे अक्सर आपने देखा होगा अक्सर बड़े जो है हमें पढ़ाई के बारे में जो है बार बार बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो राइट right? लेकिन बच्चे जो है क्या एक दिन में ही सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे इम्पॉसिबल ठीक है तो इसीलिए यहां पर ये कहा है कि भाई हद से ज्यादा जो इंस्ट्रक्शन करना होता है बच्चों को वो नहीं करना चाहिए वरना बच्चों की जो थिंकिंग है वो बदल जाती है हमें कभी कभार बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी बड़ों के बारे में सोचना चाहिए तो जो दोनों का जो बैलेंस है वो रखना चाहिए तब जो है रिश्ता अच्छा रहता है और बच्चों के लिए भी जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई बड़ों ने हमारी जो है आज़ादी को छीन लिया है या उन्होंने हमारी इस तरीके से कर लिया है तो दोनों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जो है उसमें तालमेल बना के रखें कभी बच्चों की सुने कभी बड़ों की सुने ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर एमांडा ओके तो समरी यह है एक थर्टीन इयर्स की जो है एक लड़की है थर्टीन फोर्टीन इयर्स की एमांडा नाम की एक लड़की है जिसकी माँ जो है उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करती है बार बार हर बात पे टोकती है कि नेल मत काटो अपने नाखून जो है दांतों से नेल को मत काटो अपने शोल्डर को मत करो झुका के मत बैठो स्ट्रेट खड़ी हो जाओ ठीक है तो हर बात बात पे उसको जो टोकती है तो बच्ची क्या है सपनों की जिंदगी के अंदर चली जाती है और वो डे ड्रीमिंग शुरू कर देती है डे ड्रीमिंग में जो है वो क्या करती है सबसे पहले सपना बुनती है कि काश वो जो एक मरमेड बन जाए एक जलपरी बन जाए और एक हरे समुद्र के अंदर अकेली जो है आजादी के साथ तैरती रहे वहां पर उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो उसके बाद जो है फिर उसकी माँ उसको फिर से टोकती है होमवर्क कर लिया क्या रूम सफाई कर ली क्या और शूज वगैरह क्लीन कर लिए क्या फिर जो है वो फिर से उम्मीद करती है फिर सपनों की भरी दुनिया में चली जाती है और वो सोचती है काश वो एक ऑर्फन होती और गलियों में अपनी मर्जी से जब चाहे जहाँ घूमती रहती और अपने नंगे पाँव से जो है मिट्टी पे कुछ ना कुछ बनाती रहती आज़ादी जो है सबसे ज्यादा प्यारी है फिर उसकी माँ जो है उसे बार बार चॉकलेट मत खाओ तुम्हारे एकने हो जाएंगे मैं तुमसे बात कर रही हूँ मुझसे बात करो ठीक है इन सब चीजों से वो इतनी परेशान हो जाती है इतनी परेशान हो जाती है कि वो सपनों की दुनिया में अपने आप को सोचती है काश वो एक रैपुंजल जो एक राजकुमारी होती है जो उसकी सोतेली माँ उसे जो है टावर में कैद कर देती है तो वो इमेजिनेशन करती है काश वो भी एक ऐसी होती और वहां पर वो आजादी के साथ रहती लेकिन वो कभी राजकुमार के साथ नहीं भाग के जाती और ना ही जो है अपने बालों को नीचे फेंकती ठीक है इसके बाद वो फिर से जब लास्ट जो कंक्लूजन आता है उसकी माँ फिर उसे इंस्ट्रक्ट करती है तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हो रूट गई हो तुम मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरी तरफ ध्यान दो लेकिन अमांडा इंस्ट्रक्शन से इतनी परेशान हो जाती है इतनी उदास हो जाती है कि वो अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना बंद कर देती है तो जो थीम है हमारी जो रॉबिन ने हमें बताई है वो ये है कि हमें हद से ज़्यादा बच्चों का प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए हमें बच्चों का मूड का भी ख्याल रखना चाहिए तो पेरेंट्स को भी जैसे यहाँ बोला है कि जो एमांडा की मदर है उसने कभी भी अपने आप को ये नहीं देखा कि वो हद से ज़्यादा उस बच्ची को इतना टॉर्चर कर रही है इंस्ट्रक्ट कर करके कि उस उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो ख़राब हो चुका है उसमें दूरी आ चुकी है बच्ची जो है अपनी माँ का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही बंद कर दिया उसने क्योंकि वो हद से ज्यादा परेशान हो चुकी है कंट्रोल कर कर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर कर के तो इसीलिए उसकी जो रियलिटी है कनेक्शन है रियलिटी से वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है तो अब वो सिर्फ ये सोच रही है कि काश वो एक अनाथ होती एक राजकुमारी होती एक मरमेड होती तो उसने रियलिटी में जीना छोड़ दिया उसके आसपास की जिंदगी में क्या हो रहा है ये सारी चीजें उसने देखना बंद कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि उसकी मदर ने उसको हद से ज़्यादा प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया तो हमें जो है पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हमें कभी कभार बच्चों का मूड भी देखना चाहिए और बच्चों के हिसाब से भी हमें हर चीज करनी चाहिए एनी टाइम बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए और दोनों में कभी नरम और कभी गरम दोनों सिचुएशन यूज करनी चाहिए कभी वो आपकी सुने कभी वो आपकी सुने इस तरीके से दोनों एक दूसरे का जो है तालमेल बना कर अगर करेंगे तो शायद दोनों का जो है बैलेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स के होते हुए भी ऐसी इमेजिनेशन ना करें जो उनके लिए अच्छी ना हो सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा है एमांडा का तो आई होप सो आप जो जितने भी पेरेंट्स हैं आई होप सो कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी ना करेंगे और बच्चे भी हमेशा अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं तो दोनों का जो है तालमेल बनाए रखिए तो शायद जो है आगे से कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज And subscribe my channel, Nasparshalla. Thank you, take care, bye-bye.